मैं आ जाई सुबह। हाय गाइस, ठीक है थी, नमस्ते। आराम से जाना और जाके फोन करना, फोन कर देंगे ना, खुल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल neelamkavya19। चलो शॉपिंग करने, शॉपिंग कुछ अच्छा मिलेगा तो। पहले तो संडे बंद ही रहता है, फिर भी कोई तो दुकान खुली मिलेगी। अरे कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने जा रही हो? चलो देखते हैं कुछ मिलेगा तो। कावे क्या चाहिए तुम्हें? छोटी वाली ये साड़ी है। छोटी वाली साड़ी चाहिए? हाँ। अच्छा ठीक है, दिलवाएंगे कावे के लिए भी छोटी वाली साड़ी। बारीक काम है, बढ़िया पीस है। कहाँ लट्टू? सारा रेशम का है। सर जी, काव्या को तो ये पसंद आ गई। इसे कह रही मम्मी मैं इसे कहाँ रख लूँ अब। ये ब्लू कलर की साड़ी आई है, काव्या को पसंद, और पूछ रही है मैं इसे कहाँ रख लूं। ये पल्ला आएगा। दीदी की डिमांड आई है ब्लैक कलर की साड़ी। देखिए है ये वाली काव्या की। हाँ, काव्या को एक साड़ी पसंद आ गई है, इसे निकलवा लें। बहुत सारी पसंद आ गई सर जी, ये वाली बहुत सारी पसंद आ गई है, मतलब की बहुत पसंद आ गई। ये भी आ गई, ये भी, ये भी आई है। कितनी साड़ी पसंद की है तुमने? वो भी है। सारी दुकान पसंद है, सारी दुकान पसंद है, सारी साड़ियाँ पसंद आ गई हैं काव्या को। और हमने साड़ी पसंद की है 3, बहुत सारी साड़ियों से। भैया ने बहुत सारी साड़ी दिखाई है, परेशान कर दिया है हमने। ये भी अच्छी है साड़ी, और ये 3 साड़ी पसंद की है। इनमें से ब्लैक वाली दीदी की है, उधर रखी है, और ये मैंने पसंद की है। साड़ी हम लोगों ने खरीद ली है। यहाँ से ले लिए हमने सूट दीदी के लिए और भी, और इधर से लेंगे अब साड़ी। ये बैठ गई है दीदी आके। हाँ, शॉपिंग पूरी जोर शोर पे है हमारी। 2 घंटे हो गए हमें मार्केट में आए हुए। और भैया दिखा रहे हैं साड़ी। हमें सूट से ज्यादा साड़ी अच्छी लग रही है, तो अब हम चेंज कर लेंगे। सूट हटा के साड़ी ले रहे हैं, है ना दीदी? साड़ी अच्छी है ना? साड़ी अच्छी है तो हम साड़ी ले रहे हैं। हम तो जिसमें ये कुछ उसमें ही कुछ है। जैसे अभी की बात है ना, भैया कह रहे हैं कि अब शायद लखीमपुर आपको पसंद आ गया है हापुड़ से ज्यादा। अब ये हापुड़ की नहीं रही है, लखीमपुर की हो गई है। लखीमपुर खीरी की है भैया, खीरी वाली भाभी। नहीं, हमें तो याद आती रहती है भाभी। देखो, हमें तो लखीमपुर वाली भाभी के नाम से ना यही बता रहा। और सच में यहाँ आने के बाद ना भाभी को अपनापन लगता भी है। अपने लोग हैं तो अच्छा लगेगा ही। और हमने यहाँ से खरीद लिया। अरे तो हमारे पास से जोड़ी आ जाती है ना ये, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है मम्मी पापा की 2 कॉपी आ गई दोनों चीजें। और हमने यहाँ से लिए 5 साड़ियाँ और सूट, और दीदी के लिए साड़ी लिए। और अब हम जा रहे हैं गुंजन के कपड़े लेने, काव्या और दीदी और गारमेंट्स। और काव्या के सारे कपड़े मैं यहीं से लेती हूँ। अब क्या गुंजन के भी यहीं से लेंगे? हाँ, आपके गुंजन के भी यहीं से लेंगे। बेटा खिलौने लोगी? आओ, वो छोटे बेबी के खिलौने हैं। देखो पापा आ गए, पापा से बोलो पापा मैं ये वाले खिलौने ले रही हूँ। गुंजन के कपड़े पसंद कर लिए हमने, जीन्स और टॉप लिए हैं। ये बहुत देर से चिल्ला रही, मम्मी मैं ये वाले खिलौने ले रही, मम्मी मैं ये वाले, खाली मैं ये वाले खिलौने ले रही। किसने दिलवाए तुम्हें खिलौने? कैसे ये पापा ने दिलवाए काव्या को? बोलो थैंक यू पापा। हमने ले लिए गुंजन के कपड़े, अब हम जा रहे हैं राखी लेने। भाभी आओ, चलो आओ, अब ऐसे घर जाके खेलते हैं। राखी शॉपिंग चल रही है। ठीक है, आप बताओ काव्या, खुश हो आप? राखियां ही राखियां। आपके मच्छर ने कहाँ काट गया? अरे बताओ, राखी ले जाते हैं, देने वाला खुद छिप रहा। चलो ठीक है भैया, थैंक यू इसके लिए। काव्या और सरजी जा रहे हैं भागे भागे। काव्या को खा लिया है बहुत सारे मच्छरों ने, और सरजी को भी बहुत मच्छर काटते हैं, और इसको भी। इतने दिन में भी इस लड़की को मच्छरों ने काट लिया है बहुत। हमारी शॉपिंग हो गई राखी की भी, हमने राखी भी खरीद ली। राखी के लिए देने के लिए दीदी के लिए गिफ्ट भी खरीद लिए, कपड़े भी खरीद लिए, और जो हमें दीदी के लिए और गिफ्ट देने थे वो भी खरीद लिए। आज हमने लगभग सारी शॉपिंग कर ली। खाने पीने का दावत रह गई। हाँ, बस खाने का रह गया, अब खाने के लिए उस गई। सड़क पे खड़े होके वीडियो बनानी बहुत मुश्किल काम है। जय को कुछ स्पेशल खाना है तो सरजी गए हैं वो ही पैक करवाने, और मैं, दीदी और मम्मी और राजा खाएंगे मसाला डोसा। तो डोसा लेंगे और बर्गर, चाउमीन लेंगे, जो भी कुछ खाएगा कोई वो खा लेगा, और फिर लेके चलते हैं घर। घर पे ही खाएंगे। सरजी कर रहे हैं हिसाब किताब शॉपिंग का, बहुत सारी शॉपिंग हो रही है। और ये हम करके लाए हैं शॉपिंग बैग भर दिया शॉपिंग करके। ये लड़का आया है, कह रहा मेरे लिए क्या लाई हो, डोसा, चाउमीन, बर्गर। तो ये है आज की हमारी पार्टी, डोसा और बर्गर। तो पहले खा लें फिर मिलेंगे। अब शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 6:45, और हमारी बहन जी हो रही हैं अब विदा। और ये बहुत दिनों से बुला रहे थे, हम आई नहीं थी। आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके, अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। हाँ, और ये पहले भी आ सके हम, लेकिन क्या करें, मौसम आते नहीं है ये। और की वजह से चले जाते हैं। चलो ये भी अच्छा है। ये कह रहे थे जब नीलम रहेगी घर पे तभी आएंगे, जब बच्चे होंगे घर पे, ठीक है ना। हाँ जी, ये तो रात हो गई, अब चश्मे की जरूरत रहेगी। अंधेरा, और इसमें तो और भी अंधेरा दिखाई दे। हाँ, और इसमें सर जी गुंजन के कपड़े, ठीक है, गुंजन के कपड़े भी ये अच्छे हैं कपड़े। हाँ अच्छे है। तो साड़ी लाइए, खुश है हाँ। और जियाई कर रहे हैं हम जल्दी चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, 7 बज रहे हैं। चलो बंद हो जाएगी यार बारिश। मैं आ जाई सुबह। चलो ठीक है दी, नमस्ते। आराम से जाना और जाके फोन करना। हाँ। ना मील पे ना, घर पहुंच के करना। मिल जाएगी। हाँ घेवर ले लेना। चलो ठीक है दी, नमस्ते। जियाई नमस्ते। आराम आराम से जाना जियाई, फोन कर देंगे। रोला ना खुल जाए। टाटा बाय बाय। और अपना सब दीदी लेके चली गई हैं, जो भी हम दीदी के लिए लाए थे, और बहुत सारा सामान और लाए थे। अब मैं इसको उठा के रखती हूँ और सब संभाल के रखती हूँ, और बहुत सारा काम है जिसे मैं अब करूँगी। अब हमारे मेहमान चले गए हैं, विदा हो गए हैं, और हमारे बज गए हैं बिल्कुल बाजे। शरीर ने दे दिया है जवाब, क्योंकि कल मैडम आई थी लखीमपुर से, तो रात को भी पूरी नींद नहीं हुई। ये आई थी लगभग 2 बजे के बाद, और सुबह भी जल्दी उठ गए थे। दिन में सुबह सफाई करी है सारे में ऊपर, और बिल्कुल थक कर चूर हो गए थे। फिर हमारे मेहमान आ गए, दीदी आ गई, और फिर उनकी सेवा पानी में लग गए हम। फिर हम मार्केट चले गए, मार्केट से आए तो खाने पीने में लग गए, और अब बस ऐसा जी कर रहा है कि सो जाओ और कोई हमारे हाथ पाँव दबा दो। और मुझे तो इतनी थकान हो रही है, क्योंकि मैंने बस में सफ़र किया था पहले। कल मैं पूरे दिन वैसे बिजी रह गई, सुबह ही निकल गए, फिर पूरे दिन वहाँ निकल गई, फिर काव्या को लेकर सामान रखा, फिर बस में बैठ के आए, और बस में बिल्कुल हालत खराब। 2 बजे के बाद आए आखिर, और काव्या भी थक गई थी बहुत वैसे सुबह, और नींद नहीं आई तुरंत। 4 बजे सोए थे हम, और मेरी वजह से सर जी भी नहीं सोए थे क्योंकि सर जी वेट कर रहे थे, मुझे लाना था इसीलिए। और 4 बजे के बाद ही हम सोए हैं, 10 बजे उठे हैं। खैर दीदी का फोन आया, जियाई का कि मेरी छुट्टी है 2 दिन की तो हम आ रहे हैं। फिर उनका मोस्ट वेलकम, आइए। और फिर आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। सर जी ने ऊपर की बहुत सारी सफाई की कि सर जी का इरादा है, 1 साल से हमारा ऊपर का घर बंद मतलब ऐसे हम लोग रह नहीं रहे थे ऊपर, अब वो रहने लायक बिल्कुल बहुत अच्छा बना दिया सर जी ने। 3 कमरे, तीनों कमरे रहने लायक बना दिए। और फिर उसके बाद में दीदी आ गई, फिर उनके साथ चले गए शॉपिंग करने। और उसके बाद खाना पीना, अभी थोड़ा सा काम बचा है, बाकी हो गया है तो अब हम करेंगे आराम। और फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप यहाँ तक आए हैं देखते हुए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।